हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 10 पर हमने स्पेसिमेन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स अगर प्रैक्टिकल में आती हैं तो उनको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में TS, LS या WM यानी कि होल माउंट हो सकता है, तो कोई भी स्लाइड हो सकती है। तो उसमें अगर होल माउंट होता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी देना होता है हमें। तो हम एम्फियोक्सिस का होल माउंट सबसे पहले लेते हैं, WM ऑफ एम्फियोक्सिस। तो चूंकि ये होल माउंट है इसलिए इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इसका इस प्रकार है, फाइलम कॉर्डेटा क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो सिर तक यानी सेफेलिक रीजन तक पाई जाती है, पूंछ से लेकर के सिर तक पाई जाती है। क्लास इसकी लेप्टोकार्डिया क्योंकि इसमें हार्ट नहीं पाया जाता, लेप्टो मींस एब्सेंट और कार्ड मींस हार्ट। इसका जीनस और स्पीसीज है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम और इसको सामान्यतया एम्फियोक्सिस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर टिप्पणी जो कमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं, एम्फियोक्सिस को सामान्यतया लैंसियोलेट एनिमल कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले पलास ने सन 1870 में की थी। इसकी देहभित्ति त्वचा और उपत्वचा पेशियों के द्वारा बनी होती है। इसका शरीर लंबा चपटा और वर्णक विहीन होता है यानी रंगहीन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई कलरेशन नहीं पाया जाता। दोनों सिरों पर ये नुकीला होता है यानी पॉइंटेड होता है, इसीलिए इसका नाम एम्फीऑक्सस है। एम्फी यानी दोनों, ऑक्सस का मतलब होता है पॉइंटेड या भाले के समान संरचना जो दोनों ओर होती हो उसे एम्फीऑक्सस कहते हैं। वयस्क 5 सेंटीमीटर लंबा यानी छोटा होता है और मछली के समान उसकी संरचना होती है। पृष्ठ अधरीय पूंछ फिन जो है वो लगातार कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस फिन फोल्ड के रूप में होते हैं। इनकी लंबाई के समानांतर दो पार्श्वी मेटाप्लूरल फोल्ड भी पाए जाते हैं अर्ध सतह पर, और अदर सतह पर एक खांच होती है जिसे मेटाप्लूरल ग्रूव कहते हैं और उसके दोनों साइडों में जो लटके हुए फोल्ड हैं उनको मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। मुख नीचे की ओर ओरल हुड पर स्पर्शक के द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी मुख ओरल हुड जो है उसके चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं जिन्हें ओरल टेंटेकिल्स कहते हैं। ग्रसनी या फेरिंग्स बड़ी छिद्रयुक्त होती है और उसमें सैकड़ों की संख्या में लगभग 100 से लेकर 150 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं एक तरफ। अधोग्रसनी खांच होती है यानी सब फेरिंजियल ग्रूव होता है, एंडोस्टाइल इसमें पाई जाती है। और इसके बाद अंतरांगों को एट्रियम गुहा घेरे रहती है, एट्रियम में ही वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसके पाए जाते हैं जो एट्रियम छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसमें गुदा का जो ओपनिंग है वो अलग होता है और एट्रियोपोर अलग होता है, दो अलग अलग छिद्र होते हैं। शरीर के दोनों पार्श्वों में मायोटोम्स पाए जाते हैं जो शरीर के मेटामेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। ओरिजिनल जो एम्फियोक्सिस है वो इस प्रकार से गड्ढों में धसी हुई रहती है, क्योंकि ये बिलकारी जीव है इसलिए बिल बना करके उसमें आधा धसा रहता है और आधा इसका जो भाग है टेंटेकल्स और माउथ और जिसका जो स्नाउट है वह बाहर निकला हुआ रहता है, बाकी अंदर पूरा धसा हुआ रहता है। इस प्रकार इसका और इसका बॉडी होता है। ये इसका पूंछ पुश फिन है यानी कॉडल फिन है और ये इसकी टेल और ये इसका धड़। इसमें केवल धड़ और टेल ही पाए जाते हैं यानी इसमें सेफेलिक रीजन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसमें केवल दो ही रीजन होते हैं शरीर के, धड़ और पूंछ। धड़ पर ये इतनी सारी चीजें हैं, ये स्नाउट आगे निकला हुआ, इसके ऊपर ये ब्लू कलर से दिखाई गई ये डोर्सल नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे ये रेड कलर से ये नोटोकॉर्ड है जो पूरी लंबाई में सिर से लेकर के पूंछ तक फैली रहती है। और इसके ठीक नीचे ये फेरिंग्स है, इसमें छिद्र होते हैं और लगभग 100-150 छिद्र इसमें पाए जाते हैं। ये इसका ओरल माउथ है, ओरल हुड है जिसमें ओरल टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और ये इसका ओरल चेंबर है, ओरल केविटी जैसे बक्कल केविटी कहते हैं। और यहाँ पर विलम है, विलम और उसके बाद चक्रांग व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके फेरिंग्स के मुंह पर जो उसको पीसते हुए भोजन को अंदर की तरफ धकेलते हैं। और फेरिंग्स छिद्रों के द्वारा एट्रियम में खुलती है और एट्रियम एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। उसके बाद में फेरिंग्स जो है वो इंटेस्टाइन में भी खुलती है, इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है और जो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो सारे इंटेस्टाइन में धकेल दिए जाते हैं और इंटेस्टाइन में आकर के इनका पाचन होता है और पाचन के बाद में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से इनपे डोर्सल साइड में और एक वेंट्रल साइड में और कॉडल साइड में ये तीनों जो फिन हैं वो फिन फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं। ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों ही आर नाल के ऊपर पाए जाते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। दोनों किनारों तक फैले रहते हैं यानी एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर एंड तक। ग्रसनी के नीचे एट्रियम गुहा में लगभग 26 जोड़ी जनद यानी गोनाड्स पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं परंतु लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, यानी नर और मादा अलग अलग प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार के होते हैं और वो होते अलग अलग हैं जननांग लेकिन एक ही प्रकार के होते हैं।
परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, यानी क्योंकि कोई लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। इसकी अगर एम्फीऑक्सस के मुख खांच से होकर के अनुप्रस्थ काट की बात करें तो एम्फीऑक्सस के अग्र अधर सिरे पर एक छिद्र है जिसे ओरल हुड कहते हैं, जो चारों तरफ से ओरल टेंटेकल से घिरा हुआ है। इसके ओरल हुड से गुजरते हुए अनुप्रस्थ काट को अगर देखें तो उसमें फिन, देहवृत्ति, तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ रज्जु, वेस्टिब्यूल आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी देहवृत्ति में त्वचा, उपत्वचा और पेशियां स्पष्ट होती हैं, उनसे मिलकर के इनकी त्वचा बनती है। और इनकी जो टीएस है, इसका टीएस इस प्रकार से है, इसका इसमें टीएस में ये दिखाया गया, ऊपर ये डोर्सल फिन है और ये इसकी बॉडी वॉल है आगे की तरफ, और ये मसल फाइबर्स हैं, मायोटोम्स जिन्हें कहते हैं, वो मायोटोम्स हैं। ये नोटोकॉर्ड है, इसके ठीक ऊपर नर्व कॉर्ड है और ये इसकी फेरिंग्स है, और फेरिंग्स अंदर की तरफ छिद्र युक्त है। ये मेटाप्लूरल गोल्ड फोल्ड है, मेटाप्लूरल फोल्ड है, जिसके नीचे ये मेटाप्लूरल फोल्ड इनमें पाए जाते हैं। ये ग्रूव है, ग्रूव के दोनों तरफ ये फोल्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी टीएस में ये चीजें, सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसका अगर एलएस देखें, यानी साइड से अगर साइड पोज देखें लेटरल साइड से, तो लेटरल साइड से इस प्रकार की दिखाई देता है। ये रोस्ट्रम इसका बाहर निकला हुआ, जिसमें आगे तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पीछे से लेकर के नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसके ठीक ऊपर ये नर्व कॉर्ड है और इसमें यहाँ आई स्पॉट पाया जाता है जो लाइट सेंसिटिव होता है। इसके नीचे यहाँ पर ये ओरल ग्रूव है, ओरल हुड है, ओरल हुड के चारों ओर ये ओरल टेंटेकल्स पाए जा रहे हैं, और ये पर यहाँ पर ये बक्कल केविटी पाई जा रही है। बक्कल केविटी जो है वो विलम के द्वारा सुरक्षित है, और यहाँ पर ये इसके चक्रांग, विलर टेंटेकल्स और चक्रांग पाए जाते हैं। यहाँ ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में 100 से लेकर के 150 गिल क्षेत्र पाए जाते हैं, वो गिल क्षेत्र इसकी एट्रियम में खुलते हैं। ऊपर की तरफ अगर डॉर्सल साइड में देखें तो एक इसमें डॉर्सल फिन रे पाई जाती है। इस प्रकार से इसकी 6 नंबर है कि चर्म और अधिचर्म, यानी एंडरमिस और एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य पेशियों की मोटी परत होती है। इसमें मेटामेरिज्म जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, मायोटोम्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर अधिचर्म के नीचे पृष्ठीय फिन पाई जाती है। केंद्रीय नालयुक्त ग्रंथिल तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कॉर्ड पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु के नीचे नोटोकॉर्ड पाई जाती है। मुखी गुहा की पृष्ठभित्ति पर एक हैचक स्पॉट पाया जाता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। उसके बाद में एम्फीऑक्सस की ग्रसनी से होकर के जो टीएस है उसकी अगर बात करें तो उसमें एम्फीऑक्सस की ग्रसनी विशाल लंबे थैले के समान होती है। सबसे बड़ा पार्ट ग्रसनी ही होता है। फेरिंग्स इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट पार्ट ऑफ एम्फीऑक्सस, और पोषक ऑर्गन होती है जो विलम के पीछे की तरफ आंत के द्वारा आंत तक फैली रहती है। इससे गुजरने वाला जो अनुप्रस्थ काट है वो शरीर की भित्ति की परतें उसमें दिखाई पड़ती हैं। पृष्ठ रे, फिन रे दिखाई पड़ती है, पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु और आहार नाल के दोनों ये ऊपर दिखाई पड़ते हैं। और इसकी टीएस अगर देखें तो उसकी टीएस में ये स्पष्ट नजर आते हैं। डॉर्सल फिन वॉक्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्डल शीथ, नोटोकॉर्ड, एपिफेरिंजियल ग्रूव, लीवर डायवर्टिकुलम, टेस्टिस, एंडोस्टाइल जो फेरिंग्स के नीचे पाई जाती है, प्लूरल मेटाप्लूरल फोल्ड, मसल्स और डॉर्सल ऑर्टा। इस प्रकार की ये टीएस ऑफ एम्फीऑक्सस थ्रू पोस्टीरियर फेरिंजियल रीजन शोइंग सिलोम एंड एट्रियम। इसकी देहवृत्ति में अत्यंत पतली चर्म और अधिचर्म के नीचे अनुदैर्ध्य पेशियों की मोटी परत पाई जाती है। इसके 3/4 से ज्यादा भाग में मायोटोम्स के बंडल दिखाई देते हैं। इसके आधे केंद्रीय भाग में ग्रसनी है जिसमें अनेकों गिल छिद्र दिखाई देते हैं, लगभग 100 से लेकर 150 तक। ग्रसनी में सीलियाओं की लंबी पंक्तियां होती हैं जो ऊपरी मध्य भाग में एपिफेरिंजियल ग्रुप और नीचे की तरफ एंडोस्टाइल पाई जाती है। एंडोस्टाइल में नीचे की तरफ सीलिया होते हैं जो पानी की गति, पानी में इस प्रकार से मूव करते हैं और पानी को चक्रकार घुमाते हैं, इसीलिए भोजन को कृषिका में भेजने का काम करते हैं। ग्रसनी जो है वो सीलियरी फीडिंग से अनुकूलित होती है, उसके लिए अनुकूलित होती है, यानी उसके लिए अडेप्टेड होती है कि सीलियरी फीडिंग उसमें एम्फीऑक्सस में हो। पीछे की ओर मेटाप्लूरल फोल्ड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें अनुपार्श्विक गुहा भी होती है। कुछ में मध्यांतर यानी मिडगट डाइवर्टिकुलम स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे यकृत भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। इसकी पहचान, यदि पहचान की बात करें, क्योंकि अनुप्रस्थ काट में उपग्रसनी कांच और गिल क्षेत्र और एट्रियम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एम्फीऑक्सस की ग्रसनी से होते हुए अनुप्रस्थ काट होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं एम्फीऑक्सस की आंत यानी इंटेस्टाइन से होकर के अनुप्रस्थ काट में किस प्रकार दिखाई देती है, क्या क्या दिखाई देता है। कमेंट्स इस प्रकार है, इसकी आंत से गुजरने वाले अनुप्रस्थ काट में शरीर की भित्ति की परतें पृष्ठ फिन रे, पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी, मध्यांतर, जनद गोनाड्स दिखाई देते हैं। इसकी देह भित्ति में एपिडर्मिस क्यूटिकल से आवृत दिखाई देती है।
और इसमें मिडगट से अगर टीएस काटते हुए अगर इसकी बात करें तो इसमें डोर्सल फिन रे इसमें दिखाई गई है, और मायोटोम्स हैं नीचे, मायोमेयर्स हैं, और ये न्यूरल ट्यूब है, ये नोटोबोर्ड है, और नोटोबोर्ड की ठीक ऊपर डोर्सल ओरटा, और ये इसकी मिडगट यानी इंटेस्टाइन की टीएस, और इसके बाद इसके नीचे ये एट्रियम है जो यहीं तक सीमित होती है, और इसके बाद नीचे सबसे नीचे ये कान से लटके हुए मेटाप्लूरल फोल्ड है, और ये है मेटाप्लूरल ग्रुप जिसके दोनों तरफ ये लटके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये टीएस ऑफ मिडगट जो है एम्फियोक्सस, इसमें चीजें दिखाई देती हैं। डोर्सल फिनरे पृष्ठ मध्य अधिचर्म के नीचे होती है, चारों ओर एट्रियल गुहा से घिरी हुई ग्रसनी गिल विदर के ऊपर की तरफ एपिफेरेंजियल ग्रुप और नीचे की तरफ एंडोस्टाइल दिखाई देती है, दोनों पार्श्वों में मेटाप्लूरल फोल्ड दिखाई देते हैं। कुछ कार्ट में, कुछ टीएस में कभी कभी मिडगट डाइवर्टिकुलम या लीवर भी दिखाई देता है। अब एम्फियोक्सस की जनद यानी गोनाड से होकर के अनुप्रस्थ काट की बात करें तो एम्फियोक्सस के वृषणों से होते हुए अनुप्रस्थ काट में देह भित्ति परतें और तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ रज्जु, बड़ी ग्रसनी आदि दिखाई देते हैं। देह भित्ति में पतली क्यूटिकल, पतली एपिडर्मिस होती है, इसमें मायोटोम्स स्पष्ट इस दिखाई देते हैं। डोर्सल फिनरे जो है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे दिखाई देती है, तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे पृष्ठ रज्जु दिखाई देता है, और समान तरल में भरी हुई रिक्तिकाओं से भरा हुआ रहता है, और ग्रसनी बड़ी गुहा के रूप में दिखाई देती है, एपिफेरेंजियल ग्रुप दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होती है। ग्रसनी के दोनों पार्श्वों में अनेकों गिल छिद्र दिखाई देते हैं, ग्रसनी के दोनों ओर वृषण या टेस्टिस यानी मेल में टेस्टिस होंगे, फीमेल में अंडाशय होंगे, इसके अंदर बिंदुओं के समान अनेकों शुक्राणु भरे हुए रहते हैं, और अंडाशय में छोटे छोटे अंडाणु दिखाई देते हैं। तो ये था विभिन्न विभिन्न प्रकार के कांटों में से होते हुए इसका कांट। थैंक यू वेरी मच।